कृष्ण जो मिट्टी खाए थे कौन सुनाएगा? हरि बोल। गौर सुंदर तुम सुना जो मिट्टी कृष्ण है, बोलो देख रहे आए कि नहीं? थोड़ा बहुत देखा, थोड़ा बहुत देखा होगा कृष्ण कैसे मिट्टी खाए। तो यहाँ जो आते थे देख कर गए ना? हाँ आज अब बोलो। माइक दे दो तेरे को थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो? बोलो ठीक है। हाँ जो छोड़ देगा सो बोल। देखो ज्ञान निरंतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृन्द बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमारत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री द्रव स्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नेत्रीला प्रविष्टम विष्णुपादोदर्शक श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नेत्रीला प्रविष्टम विष्णुपादोदर्शक श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम। यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में प्रणाम।
अभी ठाकुर जी की मृदुभाषण लीला को वर्णन करने से पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे कि इस प्रकार एक बार माँ यशोदा जब कृष्ण को दूध दुग्धपान करवा रही थी, उस समय स्तनपान कराते वक्त उन्होंने उस विराट मुख के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन किया, तो वो उसकी कुछ ऐश्वर्य परक लीला थी। अभी यहाँ पर कृष्ण की कुछ माधुर्य परक लीला का सुखदेव गोस्वामी बात वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि माधुर्य लीला जैसे एक भगवान कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भी उन्होंने किस प्रकार एक छोटा बालक एक शिशु जिस प्रकार लीला करता है उस प्रकार की लीला भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। तो उन मधुर लीलाओं का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, एकदा क्रीड़ा मानसते रामाद्य गोपदारक कृष्णो मृदम भक्षण वाणी मात्रे नैवेद्यं, कि एक बार क्या हुआ, कृष्ण ने ब्रह्मांड घाट पर बैठकर क्या किया, कृष्ण अभी मन ही मन में सोच रहे हैं कि इस ब्रज धूल की महिमा क्या है, जो भी कोई ब्रज में आता है क्या बोलता है, राधे तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए, है ना, जो भी कोई ब्रज में आ रहा है वो उस धूल की ही प्रार्थना करता है। ब्रह्मा जी ने जब सखाओं और बछड़ों को चुरा लिया, उसके बाद में भगवान से जब क्षमा याचना करी, तब वे भी प्रार्थना कर रहे हैं, तद भूरि भाग्यम यह जन्म की मठभ्याम यद गोकुल अभी तद माग्री ब्रजो अभिषेक, कि कब मैं इस ब्रज के बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं उनके घर के बाहर एक पत्थर रूप में जन्म लूंगा, जब वो लोग अपने घर में घुसेंगे उससे पहले मेरे ऊपर पैर यदि घिसेंगे तो उनके चरणों की रज मुझे प्राप्त हो जाएगी। उनके चरणों में क्या है, रज की, वो कृष्ण के यहाँ जब जो छोटे जाति के लोग काम करते हैं उनके अंदर नंद वहां पर नंद भवन की रज लगी हुई है, तो ये ब्रज की रज मेरे मस्तक पर पड़ जाएगी तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जब उद्धव जी ब्रज के अंदर आए, उन्होंने ब्रज गोपियों का के दिव्य भावों का दर्शन किया, मैया यशोदा नंद बाबा और सखाओं के जब दिव्य भावों का दर्शन किया, किस प्रकार उनकी कृष्ण के साथ में प्रीति है, इसका जब दर्शन किया तो वे भी अचंभित हो गए और उन्होंने क्या प्रार्थना करी, आशा महो चरण रेणु दुषा महो श्याम वृंदावन किमी गुण लतो औषधि नाम या दुष्ट जिम स्वजनम आर पथ्यंज हित्वा बेजुर मुकुंद पद्म श्रुतिभिर विमृग्या, कि आशा महो चरण रेणु, वे भी चरण रेणु की प्रार्थना कर रहे हैं, वे क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ब्रज के अंदर तृण गुल्म और लता ये बन जाऊं, जब ब्रज गोपियां कृष्ण से मिलने के उद्देश्य से श्रृंगार करके जाएंगी तो वो घास पर ही तो चल के जाएंगी, घास बनना चाह रहे हैं क्यों, वो घास पर चल के जाएगी तो उनके चरणों की जो रज है वो मेरे मस्तक पर पड़ जाएगी। यदि मैं गिरिराज की कंदराओं में कहीं पर लता बन गया, इन गिरिराज की गुफाओं के अंदर ही भगवान कृष्ण ने बड़ी मधुर मधुर लीला करी है, जब लीला करी है तो मैं अगर उनके अंदर लता बना रहूंगा तो मुझे उस लीला का दर्शन हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर क्या बन जाऊं, एक औषधि बन जाऊं, यदि ब्रजवासी कभी बीमार होंगे तो उन्हें क्या होगा, औषधि रूप में उसको ग्रहण करेंगे तो मैं उनके हृदय में पहुंच जाऊंगा। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, ये तृण गुल्म लता इन तीनों की प्रार्थना कर रहे हैं उद्धव जी भी। कृष्ण भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि भैया ब्रज रज में कोई तो बात है, कोई तो इस चीज में किसकी महानता है, तो इसकी महिमा को मानो आज कृष्ण स्वयं स्थापित करवाना चाह रहे हैं। इसीलिए क्या किया, एक बार उन्होंने ब्रह्मांड घाट पर बैठे बैठे मिट्टी खा रहे थे, मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी खाते ही जा रहे हैं, तो सखाओं ने क्या किया, सखाओं ने माँ के पास जाकर में शिकायत कर दी, बोले यशोदा माँ आपको पता है आज क्या हुआ, कृष्ण आज लगातार मिट्टी खाता जा रहा है, हमने उसे मना किया समझाया लेकिन फिर भी मान ही नहीं रहा है, मिट्टी खाते जा रहा है। ये सुनकर तो मैया बड़ी क्रोधित हो गई कि अब तक तो घर घर में जाकर चोरी करके और मक्खन खाता था, अभी क्या किया मिट्टी भी खाने लग गया है। तो माँ ने क्या किया, एक छड़ी उठाई और पहुंच गई कृष्ण के पास में। कहीं कहीं पर कहते हैं कि माँ ने कृष्ण का कान पकड़ के उससे शासन करने लगी, कहीं पर बोला हाथ पकड़ के शासन कर रही है, एक हाथ में छड़ी है दूसरे हाथ से कृष्ण को पकड़ रखा है और बोलते हुए कहती है, उसको शासन करते हुए कहती है, क्यों रे चोर चोटे तूने आज मिट्टी खाई। तो यहाँ पर कृष्ण एक बार पूरा झूठ बोल देते हैं, सभी झूठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ना हम भक्षित वानम हो सर्वे मिथ्या भी सभीक्षण। तो इस श्लोक के अंदर बता रहे हैं कृष्ण यहाँ पर पूरा झूठ बोलते रहे हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। अभी जब मैया यशोदा ने पूछा कि तूने मिट्टी नहीं खाई तो सखा तो बोल रहे हैं, तो यहाँ पर बताते हैं कि सखा क्या हुआ, माँ मैया तुझे पता है आज क्या हुआ, ये सखा लोग अपने घर से चोरी कर करके लड्डू मालपुआ कचौड़ी सब लेकर आए थे, अभी तुझे तो पता है मैं चोरी की वस्तु खाता नहीं, तो मैंने इनका दिए भी कोई भी वस्तु मैंने खाई नहीं। ला मैया सोच रही है, बोले हाँ मुझे सब पता है, तो क्या खाता है, क्या चोरी का खाता है ना बिना चोरी का खाता है। तो
मैया मैंने इनके हाथ की वस्तु खाई नहीं। अब इन्होंने सोचा कि मैं जाकर और शिकायत कर दूंगा, तो मेरे शिकायत करने से पहले ही इन्होंने क्या किया, तुझे जाकर मेरी शिकायत कर दी, मेरे नाम पर झूठी झूठी शिकायत कर दी, और तू तो इनकी बातों में आ जाती है, तेरा तो मेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैंने मैया मिट्टी नहीं खाई। और कई जगह पर बताते हैं कि कृष्ण एक दिन सखाओं के साथ खेलते खेलते सखाओं को सबको परास्त कर दिया। अब सखा लोग सब हार गए तो मैं मनी मन में सोच रहे हैं कि कृष्ण को क्या करेंगे, मजा चखाएंगे, तो इसकी पिटाई करवाएंगे हम लोग। तो इस कृष्ण की पिटाई करवाने के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, माँ के पास में जाके और झूठी शिकायत कर दी कि कृष्ण ने मिट्टी खाई। अभी माँ जब यहाँ पर आ गई और एक हाथ में छड़ी है और एक हाथ में कृष्ण को पकड़ रखा है, कृष्ण ने यहाँ पर बोल तो दिया कि माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, लेकिन माँ को पता है, माँ को कृष्ण की करतूतें पता है, कैसे यशोदा माँ जानती इसने जरूर मिट्टी खाई होगी। कृष्ण मानो यहाँ पर माँ को आश्वासन देना चाह रहे, समझाना चाह रहे, बोले माँ अगर मैंने मिट्टी खाई होगी तो मुंह से ही तो खाई होगी, तू चाहे तो मुंह खोल के देख ले। माँ ने कृष्ण यहाँ पर सोच रहे कि अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो मैया तो मान लेगी, विश्वास कर लेगी और मैंने मिट्टी नहीं खाई ऐसा मान लेगी। लेकिन तब क्या किया, माँ ने जोर से कृष्ण को धमक लगाई और जोर से जैसे शासन किया तो कृष्ण का मुख एक बार हठात खुल गया। कृष्ण का मुख जैसे ही खुल गया, अभी कृष्ण के मुख में मिट्टी लगी हुई है, मिट्टी तो खाई है ना, तो कृष्ण के मुख में मिट्टी लगी हुई है। अभी माँ ने यदि मिट्टी देख ली मुख के अंदर, मैंने झूठ भी बोला, तो माँ बहुत पिटाई करेगी। अभी भगवान की जो लीला शक्ति है, भगवान की लीला शक्ति सोच रही है कि मेरे रहते रहते अगर मेरे प्रभु पिट जाए तो किस पे, मेरे पे दोष आ जाएगा। इसलिए लीला शक्ति ने क्या किया कि भगवान कृष्ण अपनी लीला करने में वो तो निमज्जित रहते हैं, किंतु लीला शक्ति उनकी इच्छा के अनुरूप सब समाधान कर देती है। तो ऐसे करते जब भगवान अभी पिट जाएंगे, उनको पिटाई से बचाने के लिए लीला शक्ति ने क्या किया, उस छोटे से मुख के अंदर मैया को पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड भगवान कृष्ण के एक छोटे से मुख के अंदर। वहां पर देखा कितने चंद्र सूर्य, कितने बड़े बड़े पर्वत झरने इत्यादि, समुद्र सप्त समुद्र सब उस छोटे से मुख में विद्यमान है। और माँ ने स्वयं को और कृष्ण को भी जिस प्रकार शासन कर रही है, वो भी दर्शन कृष्ण के मुख में कर दिया। ऐसा देखने मात्र से मैया तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, बड़ी अचंभित हो गई और सोच रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण को, मेरे लाला को कोई भूत लग गया हो, कोई अलाई बलाई लग गई हो, ऐसा सोच रही है। दूसरे क्षण सोचने लगी कि विश्व ब्रह्मांड तो क्या होता है, नारायण के गर्भ के अंदर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा लाला भगवान है। अब जैसे ही मैया के मन में ये बात आई कि मेरा कृष्ण भगवान है, कृष्ण यहाँ सोचने लग गए कि अगर माँ ने मुझे भगवान मान लिया तो क्या होगा, जिस प्रकार नारायण शिला को भोग लगाती है वैसे भोग लगवा देगी, मेरे लिए सुंदर मंदिर बना देगी और दूध बताशे का भोग लगा के बस पट बंद कर देगी। फिर मैं जब सखाओं के साथ में इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करता हूँ, मैं इनके साथ में जो खेलता हूँ, पूरा ये तो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान क्या चाहते हैं कि माँ मुझे भगवान नहीं माने, कृष्ण की ये इच्छा है। अभी फिर कृष्ण की इच्छा जानकर योग माया ने फिर वैसे उसी के अनुरूप लीला करी। क्या लीला करी, मुख के अंदर जो विश्व ब्रह्मांड माँ देख रही थी उसको वापस हटा दिया, वापस वहां पर हटा दिया। अभी यहाँ पर टीकाकार लोग वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण कौन है, देवता लोग उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं ना, सत्यम प्रकट परम त्रिसत्य, हाँ सत्यश्च योनि निहितम च सत्य, भगवान सत्य स्वरूप है, वह सत्य संकल्प है। प्रथम श्लोक में जो भागवतम का है उसके अंदर भी बता रहे हैं सत्यम परम धीमहि, तो भगवान तो सत्य स्वरूप है, फिर उन्होंने झूठ कैसे बोल दिया, मिट्टी तो भगवान ने खाई थी ना, तो मिट्टी खाई थी तो फिर झूठ क्यों बोल दिया कि माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। यहाँ पर टीकाकार लोग वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कोई चीज यदि हमसे पृथक हो, हमसे कोई चीज अलग हो, उसको खाना ही तो खाना बोलते हैं, लेकिन ये विश्व को अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड क्या है, कृष्ण के गर्भ में है, तो कृष्ण ने यदि वो मिट्टी खाई तो उसको खाना नहीं बताएंगे। जैसे केला बाहर रखा हो उसे हम खाएंगे तो उसको खाना कहा, किंतु ऐसे ही मिट्टी बाहर रखी उसको भगवान खाएंगे तो खाना हुआ, लेकिन ये विश्व ब्रह्मांड तो कृष्ण के से ही तो उत्पन्न हुआ है तो उसको खाना नहीं कहेंगे। ये श्लोक कृष्ण ने बोला था नाहम भक्षितवानम वो सर्वे, तो अगर देखो इसको अगर संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा ना अहम भक्षितवानम वो, मतलब मैंने मिट्टी नहीं खाई, लेकिन अगर इसको संधि विच्छेद नहीं करें तो बता रहे हैं नाहम भक्षितवानम वो, नाहम का अर्थ क्या बताया, नाम का अर्थ होता है विश्व ब्रह्मांड। तो यहाँ पे मान लो कृष्ण कह रहे हैं कि मैया तो मिट्टी की क्या बात कर रही है, सारा विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर ही विद्यमान है, तो मैंने मिट्टी नहीं खाई। यहाँ तक हम लोगों ने गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण किया था।
कुछ तुम बोलोगे बोलोगे तुम नहीं तो मैं बताऊंगा मिट्टी क्यों खाई। हरे कृष्णा ओम ज्ञान तुमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। जोर कर बोलो बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्तों के चरणों में मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी कृष्णा क्यों मिट्टी खाए थे उसका पीछे हमारे टीकाकारों ने कुछ कारण बताए, करीब 7-8 कारण बताए। अब लोग कोशिश करना थोड़ी थोड़ी याद करने के लिए, ठीक है? जो बोल देगा कल उसको इनाम देंगे, ठीक है? कोशिश करना याद करने के लिए, ठीक है? जब कृष्णा अभी प्रश्न क्यों मिट्टी कृष्णा क्यों खाए, कारण था कृष्णा सखाओं के साथ में खेल रहे थे। पहले तो ये सीमेंट विमेंट हर जगह में क्या धूल होता था, बचपन में खेले हो धूल में कोई? गांव में तो धूल ही धूल होता था। अभी कृष्णा दोस्तों के साथ में धूल में खेल रहे थे और खेलते खेलते अब लोगों को पता होगा जो धूल में है ना कभी कोई अपना पैर को नीचे रख देते हैं ऐसे और उसको ऊपर मिट्टी रख देते हैं, जो पैर के ऊपर में जो एडी पैर रख और पैर को निकाल दो तो क्या बन जाएगा? कभी बचपन में बनाया कि हम बचपन में हम भी गांव में ऐसे खेलते थे। अभी ऐसे ही जो कृष्ण और सखा लोग ऐसे ही खेल रहे थे, प्यार को पर मिट्टी रख देते हैं और निकाल देने पर एक घर बन जाता है। इतने में कृष्ण का जो सखा लोग था ना श्रीदाम वसुदा मधुमंगल हैं, 5-5, 6-6 घर बना दिए। कोई कह रहा है ये मेरे किचन रूम है, कोई कहता है ये मेरे डाइनिंग रूम है, कोई कहता है ये मेरे बाथरूम है, कोई कहता है हमारे ऐसे ऐसे और उसके ऊपर में फूल लगा देते हैं, मयूर पंख लगा देते हैं, सब पत्ता लगा देते हैं। इतने में कृष्ण कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं भी 2-4 घर बनाऊं, लेकिन जब कृष्ण प्यार के ऊपर में मिट्टी रख करके जब प्यार को निकाल देते हैं ना वो धस जाती है, वो बनती नहीं है, बनती नहीं। इतने में आकाश में सब देवता लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं, प्रभु कैसे सखाओं के साथ में खेल रहे हैं। बोले देखो जिनकी केवल एक इशारा हो जाए ना, बोले जस्य प्रभा प्रभवतो जगत दंड कोटि कोटि सु अशेष वसुधाति विभूति वर्णम, कद जिनकी केवल एक इशारा पर एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ों ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाते जब केवल एक इच्छा मात्र से। लेकिन आज देखो ठाकुर जी एक मिट्टी का भी ठाकुर जी घर नहीं बना पा रहे, सब देवता लोग देख रहे थे, इसका मजा देख रहे थे। इतने में कृष्ण ने श्रीदाम को बोले भैया मेरा तो एक भी घर बने बोले ही ना, इसलिए तू बना दे। बोले मैं क्यों बना? बोले बनाओगे नहीं? उसने क्या किया, कृष्ण ने श्रीदाम जो 8-10 घर बनाए थे ना सब प्यार में सबके सब मिटा दिए, प्यार में सब जैसे बच्चे लोग करते ना खेलते खेलते। बोले मेरा तो बना नहीं तेरा क्यों बनेगा, इसलिए सबके सब मिटा दिया। बोले मेरा बना दे। बोले तेरा क्या बनाऊंगा, तू तो मेरा घर भी तुमने मिटा दिया, मैं तेरे घर पर नहीं बनाऊंगा है, मैं तेरे पर घर पर बनाऊंगा नहीं। जब उन्होंने किसी तरह से कृष्णा मिट्टी में घर नहीं बना पाए, कृष्ण को क्रोध आ गया। बोले तारीख आज मेरे हाँ 2-4 घर भी नहीं बना पाता मिट्टी मिट्टी का। इतने में कृष्ण ने क्या किया, बाप मिट्टी खाना शुरू कर दिया। जब मिट्टी खाना शुरू कर दिया इतने में
सखा लोग ने जा करके मना की, बोले कन्या इतने मिट्टी खा रहे हो पेट खराब हो जाएगी, मिट्टी मत खाया करो। लेकिन कृष्ण किसको सुने ही नहीं। इतने में वो जा करके दाऊ भैया को बोलते, बोले दाऊ आज कान्हा इतने मिट्टी खा रहा है, इतने मिट्टी खा रहा है, उसको पेट खराब हो जाए, जाकर तो उसको बोलो है, उसको जाकर के बोल दो मिट्टी नहीं खाए। बलदेव प्रभु भी कोशिश किए लेकिन किसकी बात ही नहीं सुने कृष्ण, वो खाते ही जा रहे। इतने में दाऊ भैया गए और मैया को उन्होंने शिकायत करते, बोले मैया आज पतो है कहा भय, बोले क्या, बोले कान्हा इतने मिट्टी खा रहा है, किसकी बात नहीं सुनते सुन रहा है, मिट्टी को अगर मिट्टी खाते ही जा रहे। मैया बोले अभी तक तो मक्खन चोरी चोरी कर खाता था, अभी मिट्टी चोरी कर मिट्टी भी खाने लग गया। हे मैया, तो हाथ में छड़ी लेकर के सीधा मैया आ गई। आ करके मैया ने कृष्ण को एक हाथ को पकड़ लिए, पकड़ करके बोले क्यों रे दारी के घर में क्या मिश्री मक्खन की कोई कमी, इसलिए तुमने आज मिट्टी कैसे खाई, मिट्टी तुमने क्यों खाई। हाँ, इसको पीछे हम लोग तो सारी कथा सुने, पांच छह इसका कारण सुन लेते हैं, कृष्ण मिट्टी खाए क्यों, दाऊ भैया ने क्यों शिकायत की, इसका पीछे क्या रहस्य है, इसको ध्यान से सुन लो। पहला कारण है मैया आकर के कृष्ण का हाथ क्यों पकड़े, कृष्ण को हाथ क्यों पकड़े, क्यों तो मिट्टी मत खाया कर। देखो हर समय आप देखना भगवान भक्तों को रक्षा करते, जब जब किसी भक्तों को ऊपर विपत्ति पड़ी भगवान को पुकारे, उस समय क्या हुआ, भगवान आकर के रक्षा करते, किसको रक्षा करते हैं, भक्तों को। जैसे द्रौपदी को ऊपर विपत्ति आई, लेकिन जब द्रौपदी अपना पतियों को तरह देख रही थी, शायद मेरे पति लोगों ने कुछ बोलेंगे तो, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि हार चुके ना, सर नीचा करके बैठे हुए थे। उसने देखा अपना गुरु वर्गों को देखा, कोई भी नहीं। लास्ट में उसने क्या किया, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हर, हे ठाकुर जी तेरे सिवाय ये जगत में हमें कोई भी रक्षा करने वाले नहीं। तब तो ठाकुर जी ने क्या किया, वस्त्र दे दिया है, ऐसे वस्त्र ठाकुर जी प्रदान किए, 10,000 हाथी का ताकत तो खत्म हो गया, लेकिन 10 बेल साड़ी खत्म नहीं हो पाई। इसलिए हर समय भक्तों को कौन रक्षा करते हैं, ठाकुर जी। जैसे हाथी को ऊपर में विपत्ति पड़ी है, जब हाथी को मगरमच्छ पकड़ ली, जब पकड़ ली, परिवार तो थोड़ी बहुत कोशिश किए, लेकिन जब रक्षा नहीं कर पाए ना, एक एक भाग गए। तो यहाँ शिक्षा देते हैं, जो संसार है ना, ये बड़े स्वार्थी है, हैं, ये बड़े स्वार्थी है। इसलिए जिन परिवार को उन्होंने पाला पोसा, सबसे बड़ा हाथी था, जब विपत्ति आए ना, एक एक कर पीछे सब खिसक गए। कहते संसार ठीक वैसे ही है संसार। इसलिए कहते आप कैसे, बोले जेब में जब तुम पैसा, पैसा गन और तुम कौन है। इसलिए ये संसार में सुख का समय सब साथ देते हैं, और दुख जब आ जाए ना, आप देखना जितने परिवार में, जितने बंधु बांधव परिवार एक एक सब, अगर दूर से देख लेंगे ना तुम्हें, रास्ता घूम, दूसरे रास्ता पकड़ ले हैं। इसलिए इन्होंने तो कोशिश की, जब किसी ने रक्षा नहीं करी, पकड़ करके उसको घिसटते हुए ले जा रहा है। अभी जब नाग डूबने को आया, पास नाग डूबे थे, राम नाम सत्य है, इतने में उसने एक कमल फूल लेकर के ठाकुर को उन्होंने अर्पण किया। अर्पण करते ही भगवान को जल्दी थे ना, दो बार भगवान को जल्दी मची है, एक तो द्रौपदी के वस्त्र हरण में, और दूसरे में ये हाथी को रक्षा करने में। उसने जब ना रा केवल बोला, ये ना अभी तक तो बोले नहीं, केवल ना रा बोल दिया, इतने में ठाकुर जी चक्र को फेंक करके, ठाकुर जी चक्र को फेंक दिया, बोले जल्दी तू जाकर मेरे भक्तों को रक्षा कर है। इसलिए चक्र आकर के मगरमच्छ को काट डाले। इसलिए हर समय क्या होता है, भक्तों को भगवान हर समय में रक्षा करते हैं, कई कई विपत्ति आए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रही है, क्योंकि ब्रज है ना, ब्रज में भगवान भक्तों को रक्षा नहीं करते हैं, भक्त भगवान को रक्षा करते हैं, क्योंकि जो ब्रज भूमि है ये माधुर्य भूमि, ये रस भूमि। इसलिए कहते हैं के बापा बे वाके पार प्रेम न दिया की सदा उल्टी बहार, के बापा बे वाके पार। क्योंकि जो प्रेम का जो नदी है ना, हर समय वो सीधी नहीं, प्रेम नदी हर समय ये उल्टी बहती है। प्रभु जी को एक आसन दे देते, इसलिए हर समय हर जगह में क्या दिखाई पड़ता है, भक्तों को भगवान रक्षा किया। लेकिन ब्रज में क्या हो रहा है, यहाँ पर भगवान है, जो भगवान को भक्त रक्षा कर रहे हैं। मैया जसोदा आकर के कन्या को हाथ पकड़ ले, बोले चिमरे जोर चुट्टे,
मिट्टी खा रहे हो तो मिट्टी खा रहे हो। इसलिए कृष्णा जब पहले सुना था ना, अगर कृष्ण कभी सांप देख लिया पकड़ने जा रहे, मैया वहां से बचा करके लाती है। कहीं अगर उन्होंने आग देख लिया, कन्हैया आग पकड़ने जा रहे, मैया हमसे बचा कर लाती है। कहीं उन्होंने गैया पकड़ देख ली, अभी गैया को उन्होंने क्या किया, गैया को उन्होंने सिंह पकड़ने जा रही, मैया वहां से रक्षा करके लाती है। कहीं उन्होंने तलवार को मैं हाथ लगाने जा रही, मैया क्या करती है, वहां से पकड़ करके लाती है। इसलिए हर समय दिखा क्या पड़ता है, भक्त को भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन ब्रज में क्या हो रहा है, भगवान भक्तों को रक्षा कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, मैया ने क्या किया, कृष्ण की हाथ को उन्होंने पकड़ लिया। प्रभु जी अभी कथा सुनो, इसलिए हाथ को पकड़ लिए। ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण यहाँ पर बता रहे हैं, जब मैया ने हाथ पकड़ लिए, किसका हाथ पकड़ लिए, किसका हाथ, अभी तो हम उतार देंगे प्रेम के साथ। हरे कृष्णा। इसलिए ये पहला कारण हो गया। उसका दूसरा कारण क्या बता रहे हैं, अभी मैया ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्यों रे मिट्टी खाई तुमने। लेकिन कृष्ण पहले क्या बोल दिए, ना अहम भक्षी तवान वो सर्वे मिथ्या विसर्जन, बोले माँ ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अगर मिट्टी खाई तो दुख तू देख ले। इसलिए लेकिन कृष्ण के मुंह में क्या है, अभी तक मिट्टी है। कृष्णा हाँ मुंह खो बोल ऐसी बात मुंह कर रहे, मिट्टी नहीं खोल रहे, मुंह नहीं खोल, क्यों, मुंह में ऑलरेडी मिट्टी है। इधर मैया हाथ पकड़ रखी, लेकिन इतने में कृष्णा, जैसे कोई व्यक्ति ने कोई चोरी किया अगर आप हाथ पकड़ लो, वो अगर आपको ठगना चाहते हैं ना, वो क्या करेगा, आपका अंत देखा करेगा। आप पूछ रहे थे क्या क्या तुमने की, लेकिन वो क्या करेगा, मतलब ये हाव भाव क्या दिखेगा, मैं कुछ जानता है नहीं, मिट्टी खाया। लेकिन कृष्णा ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, एक कारण तो मैया को दिखा रहे हैं, हमें पता नहीं मिट्टी खाया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। दूसरा कारण मुंह में मिट्टी है, अगर मैया को सामने तो ये करके ऐसे खा नहीं सकते ना, पता चल जाएगा मिट्टी। इसलिए कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपना आप इधर कर, जैसे होता है ना बच्चे लोग कभी कभी, हाँ हमारा मुंह चल रहा है, हाँ मुंह चल रहा है, आप इधर कर, अगर मैया अगर देख लेगा मुंह में मिट्टी है, एक हाथ में डंडा है ना, फिर डंडा पीठ के ऊपर पड़ेगा, नीचे नहीं पड़ेगा, पीठ के ऊपर पड़ेगा। इसलिए कृष्ण की कर रहे इधर उधर मुंह खुला, कृष्णा कोशिश कर रहे इसको हजम कर, कटक ले अंदर में। अरे मैया जब देखे ना मुंह को, देखे क्या, देखे मुंह में मिट्टी है नहीं। इसलिए कृष्ण ऐसे कर रहे थे। इतने में जब ऐसे कर रहे थे, तब यहाँ पर कह रहे कृष्णा भी मिट्टी क्यों खाए, कारण क्या, बोले कारण है कि जो पृथ्वी का एक नाम रसा, क्या नाम है, हम कहते रसातल, अतल बितल महातल तलातल रसातल कहते ना रसा, इसलिए पृथ्वी का एक नाम रसा है। अभी ठाकुर जी अभी कुछ दिन बाद में ठाकुर जी क्या करेंगे, अभी रासलीला करेंगे, हैं रासलीला मतलब क्या है, कहते रसा नाम समी रास, बोले जहां पर केवल रसी रस है, जहां पर केवल रसी रस है, जहां पर भक्त और भगवान की दिव्य मिलन है, जहां पर प्रेम की नदी जहां पर बहती है, वो दिव्य प्रभु की रास है, हैं? अभी ठाकुर जी रास करने वाले हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते जब बड़े बनकर कहते रास करूंगा ही, लेकिन जितने पृथ्वी का एक नाम भी रत्ना कर, इसमें सारे रत्न पृथ्वी में, इसलिए सारे रस भी पृथ्वी में है। अब कोई आम का आम खाएगी नहीं, पृथ्वी में है तभी तो आम में इतना सुंदर रस आता है, अपेल आम अंगूर चीकू, इसलिए पृथ्वी का नाम भी एक रस है, रसा है। इसलिए ठाकुर जी कहते बाद में तो रासलीला करूंगा, उसको पहले थोड़ा बचपन में थोड़ा सा रस का आस्वादन कर लो। इसलिए ठाकुर ने क्या किया, उन्होंने थोड़ा मिट्टी खा ली। आप लोग ब्रह्मांड घाट गए हो, जहाँ कृष्ण मिट्टी खाए थे, बताओ कौन कौन गए, हाथ उठा, हे भगवान इतने लोग गए, कोई गए, अब बताओ कौन जाना चाहते, हाथ उठा, सबको ले जाएंगे। हाँ हमारे जनार्दन प्रभु सोच रहे थे महीना में है एक बार क्या करेंगे, हमारे मंदिर से हम एक बस निकालेंगे और हर हर जगह पे, ब्रज का एक जगह नहीं, कभी गिरिराज गोवर्धन आधा परिक्रमा कर लिया, अगली बार दो बार परिक्रमा कर लेंगे, फिर कभी नंदगांव, कभी बरसाना,
कभी गोकुल जहाँ पर कृष्ण मिट्टी खाए, महावर होगा तो महीना में एक बार यहाँ से बस निकाल करके कहाँ पर भांडेरी वट, जहाँ पर कृष्ण रो रो करके राधा रानी मान में, जहाँ पर आंखों का आंसुओं से पूरा सरोवर बनाते, कौन देख कौन बन गए। इसलिए कहते अलग अलग जगह पर ना, अलग अलग सोच रहे थे, अलग अलग जगह पर ले जाएंगे अलग अलग लोगों को। इसलिए वहां पर, इसलिए आप ब्रह्मांड घाट में देखना वहां पर क्या बिकती है, मिट्टी बिकती है, इतने डला डला मिट्टी बिकती है, क्योंकि कृष्ण ने वहां पर मिट्टी खाए थे और मिट्टी का एक नाम रसा है, इसलिए कृष्ण रास लीला करेंगे, इसलिए पहले से उन्होंने मिट्टी खाई। कहते ये कारण है, कितना कारण हो गया, दो हो गया, दो तीन कारण हो गया। और एक हो गया, अभी कृष्ण बचपन में पुतना के स्तन पान किया, उसके स्तन में क्या था, जहर, बीस उसके स्तन में था बीस, इसलिए कृष्ण ने देखा भाई भैया छह दिन तो हुआ ही, उसी समय पुतना है, पुतना ने आकर क्या किया, उसने हमें जहर पिला करके चली गई, इसलिए थोड़ी सी उसको मुंह को थोड़ा साफ कर देता, मुंह को थोड़ा साफ कर देता। पहले लोग क्या होता था, पहले ये साबुन वाबुन नहीं होता था, लोग जो अपने केस को भी मिट्टी से, एक मिट्टी होता है वो मिट्टी से साफ करते, अभी भी एक मिट्टी है ना सर, मुल्तानी है, मुल्तानी, उसी से सबके साफ, शरीर भी वही लगाते थे, सब साफ करते थे मिट्टी से, सबके सब साफ करते थे हैं। इसलिए बोले पहले आता अगर बीस भी ला कर गई भैया थोड़ा सा मुल्तानी खा करके, मिट्टी ब्रश रच पा करके मिट्टी खा कर मुंह को थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, इसलिए ठाकुर ने क्या किया, उन्होंने मिट्टी खाई, कितना कारण, इसलिए उसका चौथा कारण क्या है। इसलिए भागवत में बताए श्री भरत महाराज कह रहे हैं, रघुगण न तपस्या न जाति न इजया न निर्वाप न गृहत बाप नैव छंदास नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजो विषकम। कह देखो भगवत प्राप्ति का क्या कारण है, हमें ठाकुर जी कैसे जल्दी से जल्दी मिलेंगे। इसलिए भरत महाराज कह रहे हैं, हे रघुगण महाराज, रघुगण न तपस्या, तपस्या से ठाकुर नहीं मिलेंगे, न जाति, कोई उच्च कुल में जन्म ले लिया भगवान नहीं मिलेंगे, कहते आप दिन भर पूजा पाठ करते बोले नहीं मिलेगी, बोले नहीं वह छंदस आ गया तो वेद पाठ करता मिलेगी बोले नहीं मिलेगी है, नहीं वह जलाग्नि दिन रात जल अग्नि की पूजा कर रहा मिलेंगे बोले नहीं मिलेंगे, बोले भैया फिर मिलेंगे कैसे, बोले मिलेंगे तभी जब तो कोई शुद्ध संतों का चरण धूलि में अभिषिक्त नहीं होते हो, जो भी कुछ कर दो भगवान मिलने वाले नहीं है। इसलिए कहते महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दुर्धम संसार ना आए है, हैं संसार का खैर होना तो दूर की बात छोड़ दो, कहते बिना संतों की कृपा की कृपा से है ये संसार ही खैर नहीं होता। इसलिए सबसे जो मूल उपाय है भगवत प्राप्ति का, संतों का चरणों का आश्रय करना, संतों के चरण धूलि में स्नान करना, जैसे बड़ोदे में आप लोग यहाँ पर जो तिलक लगा रहे हो, कंठी माला माला जप कर रहे हो, घर घर में ठाकुर पूजा, कैसे हुआ, कोई संत आए, नवीन प्रभु यहाँ पर आए, प्रचार यहाँ पर आए, प्रचार उन्होंने किया, प्रचार किया तो हमें भी बुलाया, यानी के पीछे भी शामिल आ गए, इसलिए कहते, इसलिए कहते जब तक कोई संतों का चरण को हम आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं, कहते भैया जो भी कुछ करने पर भी भगवत प्राप्ति असंभव है, केवल संतों के चरण, इसलिए कृष्ण क्या, इसलिए हम संतों का चरण धुल लेते हैं ना, संतों का चरण धुल लेते हैं, कहते संतों में सबसे बड़े संत कौन है, ये ब्रजवासी, ये ब्रजवासी है, ये सबसे बड़े ब्रजवासी कृष्ण का सखाएं माता जसोदाई सब ब्रज गोपियां, ये सब के सब बड़े, यही बड़े सबसे बड़े संत है। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने मिट्टी खाई, क्योंकि जब तक इनकी कृपा नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। भगवान को भी, भगवत भगवान को भी अगर अपना अगर रस को आस्वादन करना पड़ेगा तो उन्होंने कलयुग में क्या किया, राधा रानी के चरण धूलि, राधा रानी के भाव और राधा जी की अंग कांति दोनों को कृष्ण कृष्ण किसको लेना पड़ा, कृष्ण भगवान कृष्ण स्वयं, देखा जब तक श्री राधा जी की कृपा नहीं होगी, सबसे कृष्ण के प्राण प्यारे सबसे बड़े भक्त तो राधा रानी है ना है, इसलिए राधा रानी की कृपा के बगैर हमें भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए आज धूलि क्या है, ब्रज रेणु गोपियों की राधा जी की चरण धूलि, इसलिए उद्धव जी क्या कहते हैं, बंदे नंद ब्रज स्त्रीणां
पाद रेणु, ये जो रेणु शब्द आया जो थोली है, बोले एक धूल को मैं वंदना करता हूँ। बोले एक धूल किसकी? बोले राधा जी की चरण की एक धूल को, भाव को मैं प्रार्थना करता हूँ। है इसलिए यहाँ पर कृष्ण स्वयं, पहले सुना था ना, अनुब्रजामि अहम नित्यम पुयेत अंग्रेणु, कृष्ण स्वयं कहते हैं भक्तों का पीछे 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 मैं चलता हूँ। बोले भक्तों का पीछे पीछे क्यों चलते हो? बोले भक्त जो चलेंगे उनका चरण धूलि उड़ेगा, उड़ करके मेरे सर पर पड़ेगा, मैं भी धन्य हो जाऊंगा, मैं भी धन्य हो जाऊंगा। इसलिए ब्रज रज की इतने महत्व है। कृष्ण स्वयं परापर तत्व, विश्व ब्रह्मांड का कृष्ण मालिक है, इसलिए कृष्ण भी ये ब्रज रज को खाने कृष्ण स्वयं पाते हैं। क्यों? ब्रज रज की महिमा इतना भक्तों की, इतना महिमा भक्तों की। पहले मैं इसका एक रहस्य बात बताया था, कृष्ण क्यों ब्रज रज को चाहते, इसको याद है? हाँ बोलो जोर से, बोलो बोलो क्या कारण, बोलो जोर से, हाँ बोलो जोर से, बोलो सब सुनेंगे, माइक दे दो तो। हाँ देखो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर भगवान है, भगवान तो दुनिया के मालिक है ना, अच्छी तरह सुन लो, देखें कल को न बोल पाता है, इसलिए भगवान को दुनिया के मालिक है। फिर जब दुनिया की मालिक ठाकुर जी, फिर ये भक्तों का धूलि क्यों चाहते? क्या ये ब्रज रज में से क्या महिमा है, ये भक्तों का धूलि भगवान क्यों चाहते? इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अत्यंत गूढ़ रहस्य बताते। अभी भगवान भक्त लोग भगवान के की चरणों की सेवा करते हैं सब समय, तो भगवान भक्तों की चरणों की सेवा लेते लेते ऋणी हो गए। अभी भगवान चाहते हैं कि मैं ऋणी से ऋण हूँ, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया है अपने कीर्तन में कि भक्त पद जल, भक्त भक्त धूलि, भक्त भक्त शेष, तीन साधने पर, कि अगर किसी को भगवत भक्ति प्राप्त करनी हो तो ये तीन चीजों से सबसे जल्दी होगा। किससे? भक्तों के चरण धूलि, भक्तों के चरणामृत और उनका उच्चिष्ट प्रसाद। अभी भगवान चाहते हैं उनके ऋण से उऋण होने के लिए, तो भगवान क्या करते हैं सबसे शीघ्र, किस तरह से भक्तों की भक्ति, भक्तों के प्रति वो कैसे, क्योंकि भगवान की क्वालिटी क्या है, वो भक्तों के प्रति भक्तिमान है, तो वो सब समय भक्तों के चरण की धूलि लेने के लिए उनके पीछे पीछे चलते हैं, जिससे कि उनको भक्ति प्राप्त हो। महाप्रभु के रूप में जब आए राधा रानी के भाव और अंकांति को लेकर, तो उसके अंदर भी महाप्रभु ने यही आचरण करके दिखाया। और कोई चीज छोड़ दिया? कोई बोल सकता है? बोलो। हाँ देखो, इसलिए जैसे भक्त लोग भगवान को भक्ति करते हैं, इसलिए ठाकुर जी सोचते हैं मुझे जो आनंद मिलता है, मुझे जो आनंद मिलता है इससे करोड़ गुण राधा रानी को आनंद मिलता है। मुझे जो कृष्ण को ठाकुर जी है, भक्त उनका भक्त, भगवान विषय विग्रह, भक्त आश्रय है, लेकिन राधा रानी जो मेरे को प्रेम करती है, मुझे जो आनंद है उससे कितना गुण आनंद मिलता है? करोड़ गुण। किसको आनंद मिलता है? राधा रानी को। अभी मेरे से करोड़ गुण अगर राधा रानी को आनंद मिले, अभी वो आनंद मेरे को मिल नहीं रहा है, वो आनंद किसको मिल रहा है? राधा रानी को। भक्तों को करोड़ों गुण ज्यादा आनंद मिलता है। अभी कृष्णा सोच रहे हैं वो आनंद मुझे कैसे मिले, वो आनंद मुझे कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगी? कहते भक्त लोग जो भगवान को प्रेम करते हैं, जो भक्तों का आनंद किसको थ्रू से मिलता? भक्ति को द्वारा। भक्त भगवान को भक्ति करते भक्ति को द्वारा, लेकिन वो भक्ति मिलेगा कैसे? कहते भक्ति कैसे मिलेगा? बोले तीन उपाय। बोले एक भक्तों का चरण धूलि, दूसरा भक्तों का चरणामृत और तीसरे भक्तों का अधरामृत। ये तीन चीज के द्वारा ही भक्ति मिलती है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं और भक्ति मिलेगी तब तो भक्ति को द्वारा प्रभु का प्रेम का आस्वादन करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या करते, भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं, उनका चरण धूलि मेरे को सर पर गिरे, मेरे को भक्ति मिले, जिस भक्ति को द्वारा भक्त मेरे को सेवा करके जो आनंद पाते हैं वो आनंद को मैं आस्वादन कर सकूं। जैसे जैसे पत्नी ने बहुत बढ़िया कोई सब्जी बनाई, घर में कोई मेहमान आए, लेकिन उन्होंने जो प्रसाद पाए ना, अंगुल चाट चाट कर खाए, हैं बोले क्या तुमने सब्जी बनाया, क्या ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे हाथ में अमृत है। अब देखना जो खाने वाले, जो खाने वालों को जो आनंद मिलेगा ना, जो बनाने वालों को इतनी खुश हो जाएगी, आज बोलेगा मेरे रसोई बनाना सार्थक था हो गया, इतने सुंदर उन्होंने इतना तारीफ किया ना, जो खाने वालों को जितना आनंद, जो बनाने वालों को उससे ज्यादा आनंद मिलेगा।
फिर वो दूसरा बार क्या करेगा, बोले मैं दूसरा बार भी और बढ़िया से मैं बढ़िया करके बनाऊ। इसलिए कृष्ण तो खाने वाले, लेकिन बनाने वाले कौन है? राधा रानी। इसलिए कृष्ण जब प्रसाद पाते ही और इतने तारीफ करते हैं राधा जी की, बोले क्या तुमने बनाई, क्या सुंदर तुमने टेस्ट कहा राधा रानी। इसलिए कहते, इसलिए यहाँ पर कहते ये कारण है, ये कारण है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं मेरे को भक्ति मिलेगी कैसे, कहते भक्तों का चरण धोने से। इसलिए भगवान ने क्या किया, कहते इसको आस्वादन करने के लिए ठाकुर ने क्या किया, ब्रज रज गुण ने प्राण किया। कितना कारण हो गया, चार। अब तो चार हुआ है, चौथा बड़ा हो गया ना, चौथा बड़ा कारण हो गया ना। इसलिए कहते इसका पंचमा कारण किया है, इसका पंचमा कारण किया है। इसलिए कहते जो दांत है ना, भगवान ने क्या किया, रज को उन्होंने पाए, ब्रज रज को उन्होंने पाए। जब पाए ये दांत, दांत जो है ना इसका एक नाम है द्विज। क्या नाम है? द्विज। क्यों? दो बार जन्म लेता है। दो बार जन्म लिया कि नहीं? बचपन में जो बच्चा का दांत टूट जाता है, टूटने के बाद दो बार क्या होता है, दांत दो बार निकलती है। इसलिए द्विज, द्विज मतलब इसका दो बार जन्म हुआ है, दो बार जन्म हुआ दांत, इसलिए दांत को कहते द्विज। इसलिए कहते भगवान कौन है, कहते ना नमः ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धीताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। कहते भगवान कृष्ण कौन है, बोले ये ब्राह्मण का है, नम ब्रह्मण देवाय, ये ब्राह्मण का देवता भगवान है। गो ब्राह्मण हिताय च, गो और ब्राह्मण को हित करने वाले कौन है, कहते ये ठाकुर जी। इसलिए भगवान स्वयं ब्राह्मण को पूजा, स्वयं ठाकुर जी स्वयं ब्राह्मण की पूजा करते हैं। इसलिए पूजा करते तो ब्राह्मण की देवता ठाकुर जी है। इसलिए दांत को क्या कहते हैं, द्विज, क्यों दो बार जन्म लेता है ना, दो बार जन्म हुआ। मान ठाकुर जी ब्राह्मण को पूजा सेवा करते हैं, दांत का नाम भी द्विज है जो दो बार जन्म लिया। इसलिए ठाकुर ने क्या किया, ये ब्रज रजगुण ने द्विजों को मतलब दांत को जो चिबाते, दांत को तो चिबाते हैं, इसलिए ठाकुर ने ब्रज रज को क्या किया, उन्होंने द्विजों को प्रदान किया, मतलब दांत को उन्होंने ब्रज रज प्रदान किया है। इसका एक कारण है। कहते यहाँ पर श्री बलदेव प्रभु हैं, कहते बलदेव प्रभु मैया यशोदा को शिकायत कर क्यों किया, इसका क्या रहस्य। कहते बलदेव प्रभु किसको शिकायत किया, मैया यशोदा को। क्यों शिकायत किया, इसका कारण बताते हैं। शिकायत की बलदेव प्रभु देख रहे हैं, जैसे जैसे कृष्ण सत्ययुग में भी कृष्ण आए, लेकिन कृष्ण जब सत्ययुग में आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा, उन्होंने दो पग में पूरा पृथ्वी को उन्होंने माप लिया। एक पग में तो भूर भुव मोह जन तप सत्यलोक एक पग में मापे, और दूसरे पग में क्या किया उन्होंने, संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने माप लिया। कौन सा अवतार में? बावन अवतार में। इसलिए कृष्ण बलदेव प्रभु सोच रहे हैं ये पृथ्वी के अधिष्ठात्री देवता कौन है, बोलो पृथ्वी का अधिष्ठात्री देवता कौन है, बलदेव प्रभु। कौन है? बलदेव प्रभु। इसलिए संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता श्री बलदेव प्रभु पृथ्वी की, और पृथ्वी को धारण किसने करके रखा है, अनंत देव अपना सर के ऊपर में सरसों जैसे उन्होंने ये पृथ्वी को धारण करके रखे, बोले पृथ्वी को तो मैंने धारण करके रखा, और पृथ्वी का अधिष्ठात्री देवता कौन है, मैं स्वयं पृथ्वी का अधिष्ठात्री देवता। इसलिए उन्होंने बामन अवतार में भी पृथ्वी को नाप लिया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, पृथ्वी का मालिक कौन है, बलदेव प्रभु, पृथ्वी का मालिक बलदेव प्रभु, ये संधिनी शक्ति की। हाँ, सत्चित आनंद। कहते जब भगवान ने वराह अवतार लिया, उन्होंने क्या किया, पृथ्वी को भी उन्होंने दांत के अग्र में उन्होंने पृथ्वी को उधार किया ना, बोले तब भी तुमने दांत को ऊपर ये पृथ्वी को उठाया, तब भी नहीं बोला। लेकिन अभी द्वापर युग में आए हो, ये पृथ्वी का अधिष्ठात्री देवता तो मैं हूँ, और जब लड्डू खाते हो मेरे साथ में खाते हो, जब मालपुआ खाते हो मेरे साथ में, जब मक्खन खाते हो मेरे साथ में, सारे काम तो मेरे साथ में करते हो, लेकिन तुमने क्या किया, छुपा छुपा कर मिट्टी खाओ। और मिट्टी का अधिष्ठात्री देवता कौन है, बलदेव प्रभु। इसलिए बलदेव प्रभु ने क्या किया, बोले मेरे को बिना बोले तुमने मिट्टी खाई, मिट्टी का स्वरूप तो मैं हूँ, पृथ्वी का अधिष्ठात्री देवता मैं हूँ, इसलिए मेरे को बिना बोले तुमने क्यों खाई, इसलिए मैया का मैं बोल दूंगी। इसलिए उन्होंने जाकर क्या किया, मैया को उन्होंने शिकायत कर दी, बोले मैया आज दाऊ भैया ने मिट्टी खाए हैं, मिट्टी खाए। इतने में पहले तो सखाओं को मैया ने पूछी, बोले बताओ मिट्टी खाए कि नहीं, बोले मैया देखा मिट्टी खाए। कृष्ण ने सीधा बोल दिया, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। इतने में
मैया कहती है दाऊद तू बता, दाऊद भाई झूठ नहीं बोलते, बोले दाऊद तू सही सही बता, बोले मैया अपना आंखों से देखा कृष्ण को मिट्टी खाते हुए, मैंने देखा है, अभी कृष्ण कहाँ जाएंगे, बोले देख अगर दूसरे बच्चे अगर कभी झूठ बोल सकते थे लेकिन दाऊद तो कभी झूठ बोलेगा नहीं। इतने में कृष्ण कहते मेरे भैया ये दाऊद भैया ना ऊपर से तो दिखने में गोरो हैं लेकिन अंदर में बड़े कारो हैं, हैं तुम्हें क्या पता बड़े कारो हैं दाऊद भैया, ऊपर तक दिखने में गोरे हैं क्योंकि बलदेव प्रभु अंदर में काले, मतलब हर समय कृष्ण के हृदय में चिंतन करते हैं, इसलिए ब्रज में जाओगे जितने दाऊद देखोगे ना बलदेव प्रभु जितने बलदेव सब काले काले देखो, किसको गोरे नहीं देखो, क्यों उन्होंने जब ब्रज में आए ब्रजवासियों का सांत्वना देने के लिए वो कृष्ण चिंतन करते 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 उन्होंने काले हो गए, बोले भैया मैं तो ऊपर में कारो हूँ लेकिन अंदर में बड़े गोरो हूँ, क्योंकि कहते आत्मा तो राधिका है, वो कहते कृष्ण का आत्मा कौन है, बोले राधा रानी, और राधा रानी गोरी है इसलिए उस ऊपर तो मेरे को देखने के लिए लगता है मैं कारो हूँ लेकिन अंदर में मैं गोरो हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब बलदेव प्रभु ने बोल दिया ना कृष्ण अभी कहाँ जाएगा, इतने में से सूरदास जी ने बड़े सुंदर पद लिखते हैं, इतने में कृष्ण कहते मैया मैंने आकाश का हाथ उठा कर कह सकता हूँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने गैया के ऊपर हाथ रख कर कह सकता हूँ कसम खाकर मैंने मिट्टी नहीं खाई, जमुना में ठाड़ होकर कह सकता हूँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, भले दाऊ के सर पर हाथ रख कर भी कह सकता हूँ दाऊ भैया के हाथ ऊपर रख करके मैं कह सकता हूँ मिट्टी नहीं खाई, भैया बोले क्या बोल रहे हो, देखो नियम है ना कभी भी कसम खा कर किसके सर पर हाथ नहीं रखनी चाहिए, अगर तुम झूठ बोलते हो जिस बच्चे के सर पर हाथ रख कसम खाओ ना उसका अमंगल होता है, उसको अमंगल होता कभी नहीं, बोले क्या बोल रहे हो दाऊ भैया का सर पर हाथ रख करके हैं इसकी तबीयत खराब हो जाएगा, क्या बोल रहे हो, बोले मैया देखने में गोरो है अत्यंत बड़े कारो है, हैं देखो झूठ मूठ का कैसे मेरे नाम पर सुने शिकायत कैसे कर दी मैंने मिट्टी खाई नहीं है, इसलिए कहते कृष्ण इस सब कारणों से कृष्ण ने क्या बोल दिया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये है कितना कारण हो गया, हो गया छठा हो ना, छठा हो गया सब खत्म हो गया मुझे, खत्म हो गया इसलिए अभी यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ कितना करना हो गया छह कारण हो गया ना ठीक, और याद नहीं है और कुछ है लेकिन उसको क्यों ये उदाहरण दे रहे हैं ना मेरे दिमाग में ठीक से नहीं आ रहा, हाँ अभी यहाँ देखो, अभी देखो ब्रज में टाइम हो गया हरे कृष्णा, हाँ देखो अरे देख हाँ देखो यहाँ पर देखो कहते हैं यहाँ कहते ब्रज का भक्ति और द्वारका का भक्ति में फर्क दिखा रहे हैं, ब्रज का भक्ति और द्वारका भक्ति में फर्क दिखा रहे हैं, इसलिए जिस समय अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था कहाँ पर कुरुक्षेत्र में, कृष्ण बहुत समझाए जब युद्ध करना नहीं चाह रहा था, इतने में कृष्ण ने क्या किया विराट रूप दिखा दिया, बोले अर्जुन देख मैं कौन हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मुझको छोड़कर के जगत में कोई पर तत्व नहीं, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में है देख ले, हाँ तो विश्वास नहीं होता है, कृष्ण पूरा विराट रूप उन्होंने दिखा दिया, लेकिन जब कृष्ण ने विराट रूप दिखाया ना अर्जुन तो देख रहे कांप उठे, हैं कांप उठे, कृष्ण को हाथ जोड़ कर प्रार्थना करने लग गए, बोले हे प्रभु मैंने आपको पहले सखा बोल करके मैंने अपराध किया है, आप तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड आप मालिक हो, हे प्रभु मेरे अपराध का माफ कर दो, मैं कभी भी आपका और सखा नहीं बोलूंगा, आप तो जगत पति जगत नियता जगन्नाथ आप साक्षात आप जगत नियत जगन्नाथ प्रभु अपराध माफ कर दो, इसलिए क्या हुआ केवल थोड़ी सी विराट प्रभु देखते ही उनका जो भक्ति है ना नीचे उतर के आ गया, बोले और आपका सखा नहीं बोलूंगा, लेकिन ब्रज के देखो यहाँ पर ब्रज में कृष्णा जब थोड़ी सी उन्होंने मुंह को खोल दिए, मुंह को कृष्णा मुंह खोलते क्या देखा वो भी अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को देखा, लेकिन अर्जुन ने जो विश्व ब्रह्मांड देखा उसमें इसमें कुछ फर्क है, अर्जुन ने क्या देखा था, अर्जुन ने देखा था विश्व ब्रह्मांड, लेकिन मैया क्या देख रही है उसमें अपना गोकुल को भी दर्शन किया, विश्व ब्रह्मांड भी देखा उसको साथ साथ में क्या देख रही है ये ब्रह्मांड घाट में कैसे मैया कैसे हैं कैसे कृष्णा मुंह किया, मैया को अंदर में देख रहे मैया मैया कृष्ण के मुंह का अंदर में विश्व ब्रह्मांड, फिर कृष्ण क्या देख रहे हैं
मैया कहते खुद को खुद भी कृष्ण का मुंह में देख रही थी है? अपना गोकुल को मैया ने गोकुल को दर्शन किया, लेकिन जब मैया ने वहां पर तो अर्जुन डर गए, लेकिन यहाँ पर मैया डरी नहीं। मैया क्या कह रही है, भैया मैं कोई अलाई बुलाई के नहीं देख रही हूँ, कोई अलाई बुलाई कोई भूत पिशाच का कृष्ण के ऊपर कोई भूत पिशाच तो नहीं आ गए। इतने मैया डर गई। और उसके बाद में मैया क्या करती है, मैया क्या करते फिर ब्राह्मण को बुलाती है, गैया के पूछ से झाड़ा लगवाते हैं और गोमूत्र गोबर से कृष्ण को स्नान कराती है। इसलिए मैया के अंदर में ये प्रतीत नहीं हुआ, क्या प्रतीत नहीं हुआ, भगवान और उनका भक्ति नीचे, जैसे अर्जुन का भक्ति नीचे उतर गई, लेकिन मैया की भक्ति नीचे नहीं उतरी, बल्कि कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य जो भाव है ना, और ज्यादा आ गया है, ज्यादा आ गया। कृष्ण को उन्होंने अपना गोद में कृष्ण को भर ली। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ब्रज में तो ऐश्वर्य है, लेकिन ब्रज में क्या है, माधुर्य विशेष करके। एक उदाहरण देते हैं गुरुदेव माधुर्य जी कैसे, जैसे एक कढ़ाई बहुत, जैसे एक मण दूध है, है? एक मण दूध जैसे उबल रहा है, उसमें इतना घास की एक तिनका उसमें छोड़ दो, आप देखना उबलते उबलते एक मिनट दो मिनट चार मिनट एक घंटा के बाद में वो एक बार क्या होगा, वो घास एक बार ऊपर में आ जाएगी, फिर अंदर में चली जाएगी, है? फिर कहीं थोड़ी सी एक बार आएगा फिर अंदर में चली जाएगी। क्योंकि उसी तरह ब्रज में इतने माधुर्य है, है? यहाँ पर इतने माधुर्य ऐश्वर्य कृष्ण दिखाने पर भी, लेकिन भक्तों को कभी ब्रज के किसी भक्तों को ये विश्वास नहीं हो गया कि भगवान कृष्ण है। कृष्ण कौन है, भगवान, इनके प्रति ये भावना कभी नहीं आती है। लेकिन दूसरे जगह पर जो भक्त हैं, थोड़ी सी ऐश्वर्य देखते ही झट उनका भक्ति नीचे उतर कर आ जाती है, ठाकुर को माफी मांगते हैं, लेकिन मैया के अंदर कभी ऐसे भावना नहीं है। इसलिए कृष्ण इन सब कारणों से कृष्ण मिट्टी खाए, ठीक है, बोले ब्रह्मांड घाट की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, बिताई गौर ब्रह्मानंद के। हाँ, और कल कोशिश करूंगा, और अगर कुछ होगा तो और कुछ बोलने के, कृष्ण मिट्टी की भाई सुबह अच्छी अच्छी राह से बताए, ठीक है। जय राधा माधव, नवीन रूप से बोलेंगे आप तो बात करेंगे प्रभु जी, तो दो मिनट बोल ले, थोड़ा सा माइक ले। ओम ज्ञानतिमिरान्नस्य ज्ञाननञ्चलाकय चक्षुरुन्मीलितमेव तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय आराधिकाय प्रियतमे शिष्यमत्पत्ति वेदान्तनारायण गोस्वामिनि नामिनि। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव मित्र जापक स्वामी विष्णुपाद शिष्यमत् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अनुसरण में अनंत कोटि धर्म ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि धन प्रणाम है। और उपस्थित ब्रह्मचारीगण एवं समस्त वैष्णवी और वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि धन प्रणाम। महाराज जी आज बहुत सुंदर सुंदर कथा, तो आज भी बहुत पहले से सुना रहे हैं, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इतना सुंदर कथा में सुन रही हूँ। महाराज जी शुरू से ही मैंने देखा, काफी समय से खुद लिखते हैं, सुंदर सुंदर पॉइंट्स को लिख करके अपने शिष्यों को, हमारे जैसे बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने का प्रयास करते रहते हैं। तो मिट्टी क्यों खाई ये हमने श्रवण किया, और कितने सुंदर सुंदर कारण बताए महर्षि ने, श्री विष्णुचरित ठाकुर जी ने जो श्रीमद भागवतम हर श्लोक का सुंदर वर्णन किया, रहस्य को उद्घाटन किया, वो सब बंगला में है और महाराज जी कृपा करके हिंदी में हमें स्मरण करा रहे। श्रीमद भागवतम वास्तविकता में हमें ऐसे ही संतों के चरणों में बैठ करके श्रवण और अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो हम अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे, निश्चित है। क्यों? क्योंकि उसमें शुरू के जितने भी स्कंध हैं वो तो बड़े अच्छे लगेंगे, पांडित्यपूर्ण हम पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही दशम स्कंध में हम प्रवेश करते हैं और जहां रास लीलाओं का जो पंच रास अध्याय है उसमें जो प्रवेश करने की अपने आप हम चेष्टा करते हैं, उसमें हम प्रार्थना करते हैं। तो यहां पर
ये हमेशा ध्यान रखना है कि ईश्वरा परमा कृष्णा, ये परम ईश्वर है जिनकी लीला है, ये कोई साधारण नर और नारी की लीला नहीं है, वो परम स्वतंत्र परम शक्तिमान और परम ऐश्वर्यपूर्ण होते हुए भी परम माधुर्यमान, और वो माधुर्य लीला जो ब्रज की लीला है उसमें सर्वोत्कृष्ट लीला रास लीला है। और महर्षि जैसा बता रहे हैं कि मिट्टी इसलिए खाते हैं कि राधा रानी उस पूरे ब्रज में उनके चरण कमल जो है, कहीं भी आप जाएंगे तो राधा रानी के चरण कमल से वंचित नहीं है ब्रज। और सबसे ज्यादा आकर्षण जो है ब्रज की रज करती है भक्तों को और सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र को, जिससे कि उनकी चरण रज जो है स्पर्श हो जाए, इसकी राधा रानी। तो राधा रानी की चरण रज है मुख्यतः, तो बात यह है महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताई। ऐसे ही बताया कि राधा रानी को इतना आनंद क्यों आता, मुझे जितना आनंद आता है उससे करोड़ों गुना आनंद राधा रानी को आता है मेरी सेवा मेरे दर्शन से। तो उस आनंद में जो वो अपने आप को भूल करके एकदम से पछाड़ खा के गिर जाती हैं और अचेतन अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं, उस आनंद की अनुभूति में करना चाहता हूं। तो इसके लिए कलयुग में गौर हरि महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए। तो चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में जैसे नटखट भगवान श्री कृष्णचंद्र जिस प्रकार से कोई बालक नटखटता करता है ऐसे ही श्री कृष्णचंद्र ने की, लेकिन नवद्वीप में भी चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी नटखटता की। और बाद में हमने जब श्रवण किया कि वो संन्यास इत्यादि लेकर के अपने शिष्यों को किस प्रकार से इस कृष्ण प्रेम रस को प्रदान करने लगे, तो दक्षिण भारत में जब वो गए तो उनके साथ उनके एक शिष्य थे जिसका नाम था श्री कृष्णदास। कृष्णदास ऐसे साधुओं के चक्कर में पड़ गया जैसे कलयुग में हम भ्रमित हो जाते हैं कि साधु किसको संत कहें किसको साधु कहें, कौन वैष्णव है कौन अवैष्णव, या कौन साधु है कौन असाधु है। इसकी सीधे साधे भोले भाले लोग कल्पना नहीं कर पाते ना समझ पाते कि हमें किनका सानिध्य प्राप्त करके हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी लीला में प्रदर्शन किया कि हर कोई वेशधारी साधु को साधु ना मान करके दूर से प्रणाम करे, पहले उनको देखे कि ये आचरण से भी साधु है या नहीं। इसका जो शास्त्रों में जितना भी सुंदर बातें हैं, सुंदर शास्त्रों की जो सूत्र हैं या सुंदर ज्ञान है उसमें परिपूर्णता है कि नहीं, उसके अनुसार ये चलता है कि नहीं, शास्त्र और संत की बात एक है कि नहीं, तब तो वो संत है। यदि शास्त्र कुछ कहते हैं और संत कुछ और कहते हैं, संत तो खैर कहने गलत है, वह जो वेशधारी साधु है वह कुछ और कहता है उसे मनोधर्म कहा जाएगा, उसे धर्म नहीं कहा जाएगा। ये शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जा रहे थे। तो ऐसे साधु की टोली जो अपने साथ कुछ ऐसे शिष्य रखती है, शिष्य रखते हैं और कुछ ऐसे स्त्री शिष्य भी रखते हैं और लोगों को भ्रमित करते चलते हैं जो कलयुग में बहुत इस प्रकार से हो रहे हैं, उसके लिए सुंदर बहुत ये कथा आती है। वो भंड आचार्यों के एक साधु टोली थी जिन्होंने जो कृष्णदास को मोहित किया स्त्रियों को भेज करके, स्त्रियां वहां जाके कृष्णदास को भ्रमित करती हुई मोहती हुई उनको आकर्षित करती हुई अपने आश्रम में लेकर गई कि हम तुम्हें जो है तंत्र विद्या और तांत्रिक विद्या और सुंदर मंत्र इत्यादि प्रदान करेंगे, तुम हमारे साथ रहो। वो मोहित हो गए और वहीं पर रहने लगे। और ये जब चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि ऐसे कृष्णदास ऐसे भंड साधुओं में जाकर फंस चुके हैं, तो वो वहां बड़ी तीव्र गति से गए। और वो साधु कैसे थे, वो साधु ऐसे थे जैसे कोई वहां उनके यहां फंस गया, नया बच्चा जैसे फंस गया उसको निकालना साधारण बात नहीं, बड़ा खतरनाक। वो साधु ऐसे थे अपने साथ सारे शस्त्र अस्त्र भी रखते थे। और चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे बड़ी तीव्र गति से विद्युत की भांति और जाकर के जिस कोठरी में वो कृष्णदास था
और अन्य स्त्रियां उसको घेरा बना करके बातचीत कर रही थी, वहां चोटी पकड़ करके उसको घसीटते हुए खींच करके लेकर चले, और वो साधु एकदम से तिल मिलाते हुए बाहर आए और सबने बड़ी बड़ी कुठार और तलवार और जने क्या क्या लाठी डंडे लेकर के मारने का प्रयास किया चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, घसीटते हुए अपने शिष्य को खींचते हुए आश्रम से बाहर ले जा रहे, और क्या हुआ वो जितने भी साधु हैं वो आपस में जैसे ही उन्होंने बाजार साधना शुरू किया उनको चैतन्य महाप्रभु को तो जरा सा स्पर्श भी नहीं हुआ और आपस में ही कटमट के मर गए, सबके सब आपस में प्रहार किया और वहीं पर धराशायी हो गए, सबका विनाश हो गया। तो यहाँ पर एक सुंदर शिक्षा जो चोटी क्यों रखे, देखो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी चोटी पकड़ करके वो नरक जैसे जो आश्रम में प्रवेश कर गया था उनका शिष्य उसको भी वहां से निकाल कर उद्धार किया। बोलो चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए हमें शुद्ध साधु का अनुगत्य करना चाहिए, हमें ऐसे संत मिले, हमें ऐसी गुरु परंपरा मिली जिसमें हम जरा सा भी अगर गलत या भ्रमित होंगे तो निश्चित तौर से हमारी चोटी प्रकट के उद्धार जरूर कर देंगे। इसी सब बातों से एक मिनट और दो कारण सुनो, मैं भूल गया, हाँ देखो एक मिनट, हाँ कृष्णा मिट्टी क्यों गाय, कितना कारण हो गया, छह कारण हो गया। सप्तम कारण कहते हैं, कहते पृथ्वी का एक नाम है क्षमा, क्या नाम है क्षमा, क्षमा। अब जैसे पृथ्वी के ऊपर में बता हम क्या नहीं करते, सारे काम पेशाब करते हैं, टाटी करते हैं, उसमें घर बनाते हैं, उसको मारते हैं, पृथ्वी के ऊपर हम सारे काम करते हैं, लेकिन पृथ्वी क्या करती है, सब कुछ सहन कर लेती है। इसलिए कृष्णा इसलिए मिट्टी खाए, भले कृष्णा जब सोच रहे हैं जब बड़ा बनूंगा ना सारे बहुत सारे भक्तों को भी माफ़ी करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा, इसलिए कृष्णा माना मिट्टी खा करके सब भक्तों को माफ़ करने के लिए, भक्ता अगर कोई अपराध कर ले तो उसको माफ़ करने के लिए ठाकुर जी ने मिट्टी खाई। ये एक कितना हो गया, सात कारण हो गया। आठवां कारण बोले कृष्ण गीता में एक प्रतिज्ञा किया है, ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। इसका मतलब होता है कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो जितना परिमाण में मेरे को भक्ति करता है मैं उसी परिमाण से उनको प्रेम भी प्रदान करता हूँ। अगर एक आना प्रेम करेगा एक आना प्रेम दूंगा, पांच आना करेगा पांच आना दूंगा, दस आना करेगा दस आना, जो जिसको जितने मेरे जैसे भक्ति करता उसी अनुरूप प्रेम देता हूँ। लेकिन जब कृष्ण रासलीला किया ना लास्ट में कृष्ण कहते हैं हे ब्रज गोपियाँ तुम लोग मेरे को जैसे प्रेम की है ना, ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी कभी तुम्हारी ऋणी से मैं उऋणी नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे लिए अपना घर द्वार पुत्र परिवार सब कुछ को ठोकर मार दिए, मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, कभी तुम्हारी ऋणी को मैं उऋणी हो नहीं सकता। इसलिए कृष्ण पहले क्या बोले थे, जो जैसे मेरे को जितना भजन करता है उसको अनुरूप प्रेम देता हूँ, लेकिन कृष्ण फिर कृष्ण क्या क्या लास्ट में आकर के भैया मैं तुम्हारी ऋणी से उऋणी नहीं बन सकता, तो कृष्ण का बात छूटी हो गया ना, कृष्ण का बात झूठी हो गया। अभी कोई पहले बता ना जैसे पुतना को जहर पिलाया था इसलिए मिट्टी खाकर मुंह को साफ किया कृष्ण ने, उसी तरह कृष्ण अभी जो झूठ बोल दिए अभी मुंह को तो साफ करना पड़ेगा ना, इसलिए कृष्ण ने क्या किया मिट्टी उन्होंने खाए और मैंने भाई जो प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञा को मैं चुका नहीं पाया, गोपियों के पास में मैं अपना प्रतिज्ञा से फेल हो गया। इसलिए ठाकुर ने क्या किया, उन्होंने ठाकुर जी ने उन्हें मिट्टी खाया। इस कारण को और कुछ काम है बाद में कल बताऊंगा, ठीक है। बल्सी वृंदावन हरि लाल की जय, राधा माधव जय कुंज बिहारी।